वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह टूरिस्टल इंडिया तो अज गल करांगे लो प्रोफाइल वाले लोगों लिए कि जिन्हां दी लो प्रोफाइल है वह USA का वीज़ा ले सकते हैं। देखो, जिहड़ा USA का वीज़ा हुंदा है वह थोड़ी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। USA कदे भी थोड़े डाकूमेंट चैक नहीं करता, USA कदे भी फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं करता। USA दे विच जो तुसी दिखा दोगे ते जो तुसी इंटरव्यू के जरिए साबित कर लोगे उही प्रोफाइल जिहड़ी हैगी है USA मान लैंदा है। मेरे एक्सपीरियंस दे विच असी कई सारे इस तरह के वीज़े लिते ने जिन्हां कोल कुछ भी नहीं सीगा फिर भी USA का वीज़ा लै गए सिर्फ अपने इंटरव्यू करके। USA थोड़ा कॉन्फिडेंस लैवल चैक करता, USA बेसिकली थोड़ा फेस रीड करता है कि जो तुसी कह रहे हो कि थोड़े चो वो प्रोफाइल झलकती हैगी है किवें। जे तुसी कहने हो कि जी मैं बिजनेसमैन है तो तुसी जेंटली बिजनेसमैन लगने चाहिए है। जे तुसी आपकी प्रोफाइल दे विच लिखिया कि मैं टीचर हैं जी, मैं प्रोफेसर हैं, तो थोड़ी देखनी तो थोड़े कपड़ों तो थोड़ी बोलनी तो तुसी प्रोफेसर या टीचर लगने चाहिए हो। सेम डॉक्टर, जे तुसी कहने हो कि जी मैं डॉक्टर हाँ तो थोड़ी गलबात करने तरीके तुसी डॉक्टर लगने चाहिए हो। इस तरह ही जिस तरह की तुसी प्रोफाइल आपकी शो की है सो वो प्रोफाइल थोड़े चेहरे तो झलकनी चाहिए है तो वह प्रोफाइल वीजा ऑफिसर नू दिखनी चाहिए है। सो जे ये चीज़ तुसी साबित कर दें तो थोनू वीज़ा मिल जाता है। ये किमें हो सकता है, तुसी आपदे इंटरव्यू की वधिया तरीके तैयारी करके। जे तुसी प्रोफेसनल तरीके आपदे इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो वीज़ा मिल जाता है। मेरे को कई इस तरह की स्टोरीज ने जिन्होंने असी तैयारी कराई, इंटरव्यू की तैयारी कराई तो उन्होंने को कुछ भी नहीं सीगा वीज़ा लै गए, पर उन्होंने तैयारी बहुत वधिया तरीके की। उन्होंने आपकी उही ड्रैसअप रखी जिहड़ी उन्होंने सुजैसट की सी, उस तरह ही उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया जिवें उन्होंने असी सुजैसट किया, जिवें तैयार किया, वीज़ा लै गए। ठीक है, और इंटरव्यू भी कोई लंबी चौड़ी नहीं होंगी, 2 to 3 मिनट की इंटरव्यू होंगी हैगी। 2 to 3 मिनट के जे तुसी आपका प्रभाव वीज़ा अफसर से जमा लैंदे हो, वीज़ा अफसर को कन्विंस कर लैंदे हो, तुहानू वीज़ा मिल जाता है। सो इहदे विच की है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होंगी हैगी है कि तुसी किवें एंटर करना है, किवें तुसी वीज़ा अफसर के अगे खड़े होना है, किवें थोड़ी ड्रैस होनी चाहिए, किवें तुसी बोलना है, थोड़े बोलण का तरीका की है। सो इन चीज़ों पर मैटर करता है, ना कि थोड़ी प्रोफाइल पर। USA कदे भी थोड़ी डाकूमेंटरी प्रोफाइल चैक नहीं करता। USA ने कदे थानू यह नहीं कहता कि लियाओ मैं तुसी आपकी ITR दिखाओ, लियाओ तुसी मैं आपका बैंक बैलेंस दे दो, इस तरह का कदे नहीं होंदा। 99.9% USA कोई डाकूमेंट नहीं चैक करता, सिर्फ तो सिर्फ थानू इंटरव्यू करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लैवल चैक करता है, थोड़ा फेस रीड करता है, थोड़ी कन्विंसिंग पावर देखता है, और ये देखता कि जिहड़ी प्रोफाइल लैके तुसी आए हो, लाइक जिहड़ी प्रोफाइल तुसी आपदे DS-160 च भरी है कि वह प्रोफाइल दे मालक तुसी लगते है। ठीक है, सो ये चीज़ साबित करनी जरूरी होंगी हैगी है। सो जे आपां इन्हां चीज़ां नूं डिटेल दे विच सीख लांगे कि किवें तुसी अपने आप नूं एक्सप्लेन करना, किवें इंटरव्यू देनी है, किवें बोलना हैगा, और थोनों ये पता होना चाहिए कि एम्बैसी ऑफिसर थोड़े तो किस तरह के सवाल पूछ सकता है। जे तुसी किसी वधिया कंसलटेंट तो ट्रेनिंग लोगे तो थोनों दसूगा कि थोड़ी प्रोफाइल के मुताबिक एम्बैसी ऑफिसर थोनों किस तरह के सवाल कर सकता है। सो जे तुसी उन्हां सवालों का सामना करके कॉन्फिडेंस के नाल जवाब दोगे डेफिनेट तुसी वीज़ा लै सकते हो, क्योंकि इको एक इस तरह की कंट्री है जो सिर्फ तो सिर्फ इंटरव्यू बेस वीज़ा देती है। होर बहुत सारिया कंट्रियां इंटरव्यू जरूर लेंदियां ने, पर इंटरव्यू के नाल नाल वो डाकूमेंट भी लेंदियां ने। जिवें आपां गल कर दिंदे हां आस्ट्रेलिया की, आस्ट्रेलिया डाकूमेंट भी लैंदा, इंटरव्यू भी लै लैंदा, होर इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ ने। ठीक है, समटाइम UK भी इंटरव्यू लै लैंदा, बट वो पेपर जरूर लेंदे ने, पहला पेपर लेंदे ने, पेपर वेरीफाई करने तो बाद इंटरव्यू वास्ते बुला लेंदे ने या इंटरव्यू फोन पर लै लेंदे ने। पर USA कोई डाकूमेंट नहीं मंगता, ईवन कि बैंक स्टेटमेंट तक भी नहीं मंगता। जो आप USA का वीज़ा अप्लाई करते हैं, USA सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होंगे जिन्होंने आप DS-160 कहने हैं। DS-160 भर के तुसी
ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DS-160 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਟਿਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ USA ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਸਕਰੀਨ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।